भिखारी गैंग का पर्दाफाश, चार महिलाओं सहित पांच गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना पागबरा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो घरों में भीख मांगने के बहाने लोगों के घरों से सामान चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए चार महिलाओं सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने प्रेस वार्ता कर चोरी करने वाले इस गैंग का खुलासा किया। पागबड़ा थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर कला के रहने वाले अनीश ने भीख मांगने वाली महिला व पुरुष अज्ञात लोगों द्वारा घर में रखे बैग से कपड़े व सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पागबड़ा थाना पुलिस ने अमरोहा जनपद के डिडौली थाना क्षेत्र के ड्योड़ी के रहने वाले विजय, नेहा, सोनम, पूनम और दीपा को गिरफ्तार करते हुए अनीश के घर हुई चोरी की घटना का खुलासा किया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया एक लेडीज बैग, दो जोड़ी पायल, एक अंगूठी, एक मोबाइल, दो आधार कार्ड, दो जोड़ी कपड़े, दो बिछुए आदि सामान बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वह लोग ईंट भट्टे पर कार्य करते हैं और भीख मांगने के बहाने मौके का फायदा उठाकर खाली घरों में घुसकर रुपए, जेवरात, मूल्यवान संपत्ति, आधार कार्ड आदि चोरी कर लेते हैं तथा वह लोग आधार कार्ड इस उद्देश्य से चोरी करते हैं कि अन्य स्थान पर जाकर अपना नाम पता बदल कर वह बता सकें और महिलाओं को इसलिए साथ रखते हैं ताकि कोई भी उन लोगों पर शक ना कर सके। थाना पागबाड़ा से संबंधित एक प्रकरण, इसमें कल थाना पागबाड़ा में रतनपुर कला में एक घर में घुस के कुछ लोगों द्वारा चोरी की घटना की गई थी और इसके संबंध में एक थाना पागबाड़ा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पुलिस ने बहुत ही सक्रियता से काम किया है। इसके लिए एक गैंग है जो ऑपरेट करता है, जैसे ये लोग वहाँ आसपास भट्टों पर रहकर काम करते हैं और दिन में इनकी महिलाएँ और इनके बच्चे ये घरों में भीख मांगने के बहाने वहाँ जाते हैं, उनसे भीख लेते हैं और साथ ही साथ वहाँ की रेकी भी करते हैं और जब मौका मिलता है, इनको किसी कोई घर खाली मिलता है यहाँ, तो ये वो घरों में घुस के जो कीमती वस्तुएं हैं उनकी चोरी कर लेते हैं। इसी तरह की घटना इनके द्वारा कल रतनपुर कला में की गई थी, जहाँ पर अनीस पुत्र रजा हुसैन रतनपुर कला के हैं, इनके घर में कुछ महिलाएँ और पुरुष ने घुस के इनके घर से लेडीज बैग और कुछ कीमती आभूषण और मोबाइल, ये सभी सामान यहाँ से चोरी किए थे। पुलिस ने इसमें बहुत तेज़ी से काम किया है और इसमें इसके पूरा गैंग को इन्होंने वर्कआउट किया है, जिसमें पांच लोग, जिसमें चार महिलाएं हैं तो गिरफ्तार हुई हैं। तो ये पूरे डिडौली थाना क्षेत्र जिला अमरोहा के रहने वाले हैं ये लोग और इसमें विजय पुत्र शिवचरण हैं जो कीमती सामान जो सोने और चांदी के आभूषण हैं उनकी चोरी करते हैं, उनको ये लोग बेचते हैं। तो ये लोग एक संगठित तरीके से इस काम को कर रहे थे, जिसमें पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है, साथ ही जो बरामद माल है जो चोरी हुआ था उसमें से एक लेडीज बैग, दो जोड़ी पायल्स, एक अंगूठी, दो एक मोबाइल और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात है इसमें, इनके द्वारा वहां से आधार कार्ड भी चोरी किए गए हैं। पूछताछ में लोगों ने बताया कि इस आधार कार्ड का ये लोग यूज़ किसी नए स्थान पर जब जाकर रहते थे तो अपनी पहचान उसके रूप में बता के वहाँ पर रुकते थे, जिससे कि पुलिस को और अन्य लोगों को गुमराह किया जा सके और उनकी पहचान, वास्तविक पहचान पुलिस के सामने ना आ सके। और ये इस तरह अपने काम में, अपनी कार्यप्रणाली में असफल होते रहते थे। इस प्रकार ये वर्कआउट हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। इस तरह के गैंग जो यहाँ वहाँ घूम फिर के अपराध करते हैं और उस पर पुलिस ने मजबूत कार्रवाई की है। सर, ये जो यहाँ पर रह रहे थे, जो आधार कार्ड का पूरा है, तो क्या यहाँ पर भी कोई गलत आधार कार्ड? अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं इस बात को भी, हालांकि ये नजदीक में ही निरौली छान लगता है, हम लोगों ने वहाँ से वेरीफाई किया है तो इनकी सही पहचान हो जाएगी। सर, तो ये बच्चों का कैसे, क्या बच्चों का भी इसमें? जैसा मैंने बताया, ये लोग पूरे परिवार के साथ इसलिए मूव करते हैं जिससे किसी को इन पर शक न हो, इसीलिए इसमें महिलाएं और बच्चे जो घरों में जाके भीख मांगते हैं वो जाते थे और इसमें महिलाओं बच्चों का ही ये लोग प्रयोग करते थे। और जो व्यक्ति इसमें जो गिरफ्तार हुआ है वो इस सामान को बेचने में इनका सहयोग करता था। तो ये एक ही घटना करी है या और भी कोई घटना? अभी ये घटना वर्कआउट हुई है और हम लोग गहराई से पूछताछ कर रहे हैं। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स
भी अवेलेबल, तो आज ही आए श्री न्यूज आरडी एंड एम्पोरियम होलीगेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।